भारतीय जनता पार्टी के उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया का बड़नगर प्रशिक्षण वर्ग में जाते समय चिखली पेट्रोल पंप पर संस्था सारथी द्वारा देश के कोविड काल में सबसे सक्रिय रहे, जिस पर सांसद अनिल फिरोजिया जी का स्वागत किया गया। वहीं यादवेंद्र यादव द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में कोविड काल में जिस प्रकार सांसद जी ने व्यवस्था की थी, उसको लेकर कार्यकर्ता द्वारा उनका स्वागत किया गया। बताया जाता है कि देश के ऐसे पहले सांसद हैं जिन्होंने कोरोना काल में हर रोगी के लिए ऑक्सीजन बेड समस्त चिकित्सालय की सुविधा उपलब्ध कराई। इसके लिए हम सभी पूरी संस्था सारथी टीम और सभी युवा लोग हमारे सांसद अनिल फिरोजिया जी का बड़नगर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आप जैसे हमको सांसद मिले और साथ में सांसद अनिल फिरोजिया जी ने कहा कि मोदी जी ने कोरोना काल में कहा था कि इस आपदा को अवसर में बदलो, वो आज सबके सहयोग से हमने करके दिखाया। ऐसे तेजस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी सेवा करने का हमको मौका दिया। और सांसद जी ने कहा कि सभी को टीकाकरण जरूर करवाना है, कोरोना अभी गया नहीं है। हम सभी मिलकर हर व्यक्ति को कोरोना वायरस का टीका लगवाने के लिए प्रेरित करना है और इस महामारी को हमारे देश से भगाना है। और सांसद जी ने जनता से अनुरोध किया कि भीड़ भाड़ वाली जगह में मुंह पर मास्क जरूर लगाएं और ज्यादा तबियत बिगड़ने पर हॉस्पिटल में जाकर जांच करवाएं, अपने और अपने परिवार का ख्याल। और सांसद ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारी पूरी सरकार आपके साथ है। बड़नगर से संवाददाता राधेश्याम सावरा। सर्वप्रथम तो माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का बहुत बहुत मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँगा, जिन्होंने वास्तव में हमने जो कोविड में हमारा संकट चल रहा था, जनता संकट में थी, तब माननीय मोदी जी ने हमको निर्देशित करा था कि आपदा को अवसर में बदलो और सेवा कार्य, क्योंकि हम जन सेवा के सेवा कार्य हमारा परम धर्म है और हमने उस कर्म को निभाते हुए कार्य किया। लेकिन मैं आभार और धन्यवाद इसलिए हमारे शीर्ष नेतृत्व को देना चाहूँगा कि हमने जो जो डिमांड करी, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे इंजेक्शंस की, वैक्सीन की, जो भी हमने डिमांड करी है, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उसकी पूर्ति करने का भरसक प्रयास करा, जिस उनके सहयोग और आशीर्वाद के कारण ही हमको संबल मिला, ताकत मिली और हमारी ये पूरी टीम, सब युवा, सभी भारतीय जनता पार्टी संगठन, परिवार संगठन के कार्यकर्ता लगे रहे और आज हम